बख्तर बंद उनको जो है पूरा मुजस्सम करके मैदान जंग में उतारा गया। आफरीन है अवामुन्नास की कि जिन्होंने उसे चारों शाने चित गिराया। आइन के तहत अवाम ही पाकिस्तान का जो है रियासत बनती है। आर्टिकल 7 में देखें तो ये जमहूर का काम है, यानी इलेक्टोरेट का काम है। ये पाकिस्तान की अवाम का अख्तियार है कि वो अपने नुमाइंदों को असेंबली में भेजें और या पार्लियामान में भेजें और फिर उन्हीं के नुमाइंदे आगे से अपनी लीडर ऑफ द हाउस चुनते हैं, जो फिर काबीना बनाते हैं और उनको अल्लाह ताला की हाकमियत आला के ताबे हुक्मरानी का हक हासिल है पाकिस्तान पर। और इसी अंदाज से आर्टिकल 5 में वफादारी जो है वो अवाम के साथ, लॉयलिटी टू द स्टेट, ये मुंदर्ज है, और ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ताबेदारी और जो है वो आइन के ताबे है, और ये इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हर शहरी पर वाजिब है और लाजिम है कि वो वफादारी अवाम के साथ अपनी निभाए और आइन की ताबेदारी करे। वो अस्करी क्यादत हो, वो बाला तरीन अदलिया हो, वो सदर पाकिस्तान हो या हकूमत हो, कोई भी हो, वो अवाम की वफादारी का पाबंद है आइनी तौर पर जो है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्ज किया था कि हम जो है अवाम के पास, 25 करोड़ अवाम के पास जो है हम अपना मुकदमा ले जाकर हम इंसाफ के मुतलाशी और हम मुल्तमिस होंगे। हमने 25 करोड़ अवाम के पास अपना मुकदमा पेश कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने हमें बड़ा क्लियर मैंडेट दिया और उन्होंने जाकर भरपूर अंदाज से बताया कि हम जुल्म का बदला वोट से लेंगे, और जुल्म का बदला वोट से लिया गया। उन्होंने वाज़े फैसला दिया कि इमरान खान के बग़ैर जो है पाकिस्तान की जमहूर नहीं चल सकती है, और इमरान खान पर जो तसलसल से उसको पाबा सलासल किया गया, उस पर झूठे मुकदमा दर्ज करके उसको सजाएं की गई, अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया, यकसर मुस्तरद किया, और अवाम ने कहा कि इमरान खान ना बागी है और ना ही इमरान खान मुजरिम है, और जमहूर पर चूँकि वफादारी उसकी लाजिम और वाजिब है और सभी इदारे उसके ताबे हैं, तो मैं तकाजा करता हूँ फिलफौर कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए और इमरान खान के मुकदमे और उनकी सजाएं कलदम करार देकर आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान उनको फौरन रिहा करें और बसूरत दीगर फौरन उनके मुकदमात लगाए जाएं, अपीलें, और जिस सूरत से उनको तेज़ी से उनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर सजाएं की गई हैं उसी तरह उनको बरी किया जाए। अगर जिल्ले सुबहानी जो को ताज पोशी के लिए लाए गए थे, जिनके ख्वाब 8 फरवरी को चिकनाचूर हो गए, जिनको अवाम ने वाज़े तौर पर मुस्तरद किया, अगर उनके मुकदमात इस तरह सुनकर और उनके शवाहिद के बावजूद उनको बरी किया जाता है, तो यहाँ इंसाफ का तकाजा ये है कि इमरान खान, जिसके वकील को भी इजाज़त नहीं दी गई, जिसका बयान भी नहीं लिखा गया है, जिसको सफाई का मौका भी नहीं दिया गया है, जिसकी बहस भी नहीं सुनी गई है वकीलों की, और एक बुलडोज करके जिसको एक सक्सेशन में एक हफ्ते में 3 सजाएं दी गई हैं, वो इंसाफ के ऐवानों पर एक कलंक का ऐसा टीका है जो ताहयात जो है इस मुल्क की अदालती नज़ायर पर जो है एक कलंक का टीका मुतसवर किया जाएगा। सो इसलिए पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने एक दो टोक फैसला दिया है, उनकी ख्वाहिशात, उनकी पल्स, उनकी नब्ज, उनके एहसासात, उनके जज्बात को देखते हुए इसको फिल फौर जो है कलदम करार दे के इमरान खान को दोबारा ये हक दिया जाए, क्योंकि हम इसके बावजूद हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आए हैं। ये कहना कि हम इंडिपेंडेंट है, ये शूशा जाने कैसे इन्होंने ईजाद कर लिया। हमने जितने कागजात नामजदगी दिए थे, हमने PTI लिखा था, उस पर PTI कभी बैन नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कमीशन ये बैन कर सकती है, ना उसे अख्तियार है। ये सिंबल सिर्फ हमारा लिया था, हम तो एक जो है बल्ला लेने गए थे, इन्होंने जहेज का पूरा सामान हमें दे दिया, लेकिन बल्ले का वोट नहीं था, वोट इमरान खान का था,
ये वाहिद इलेक्शन है, मैंने 5 दिहाई देखे हैं इलेक्शन, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, जिसमें वोटर की जिद थी कि मैं अपने हकूक पर डाका नहीं डालने दूंगा, जिसने सिंबल के लिए आके हलकान होकर ढूंढता फिर रहा था। मेरा सिंबल के था, हालांकि इलिटरेट जो है, हमारी इलिटरेसी रेट 50% है तकरीबन, लेकिन उसको आफरीन है जिसने उसके बावजूद के वो अंग्रेजी का हिंसा था कि उन्होंने भरपूर अंदाज से दिया। और मैं ख्वाजा साद रफीक को भी ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने ग्रेस दिखा के जमहूरी रवायात को मलूज रखते हुए उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और उसने मुझे फ़ोन पर मुबारकबाद दी। और मैंने उसे कहा कि काश तुम अपने बड़ों को भी ये दर्स दो, अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए करने में। और अगर ख्वाजा आसिफ हार गया है रिहाना उस्मान डार से तो उसे कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे।